इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जनरली दो टाइप की एनर्जी इन्वॉल्व होती है, जिसमें एक एनर्जी होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द सेकेंड वन इज केमिकल एनर्जी। मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। तो जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे हम लोगों को यूज करना होता है कुछ डिवाइस, और उसी में एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सेल। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सेल होगा वो दो टाइप का होता है, जिसमें एक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो एक यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये सेल क्या करता है, जनरली यहाँ पे आप केमिकल रिएक्शन कराओगे। मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ टाइप ऑफ सेल इन विच सर्टेन केमिकल रिएक्शंस आर टेक्स प्लेस एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन सम इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा वो ठीक इसका उल्टा होगा, जहाँ पे जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हो तो दैट इलेक्ट्रिसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन केमिकल रिएक्शन इन टू द कंपाउंड। तो यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। तो इस चैप्टर में इन दोनों टाइप के सेल को डिस्कस करना है, लेकिन ज़्यादा फोकस हम लोगों का यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर रहेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग स्पॉन्टेनियस सेल भी बोलते हैं, और इसको स्पॉन्टेनियस सेल हम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होता है वो जनरली स्पॉन्टेनियस होता है। मीन्स जब तक ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होता रहेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता रहता है। लेकिन इस वाले रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, इसलिए जो सेल होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस सेल होगा। बिकॉज व्हेन एवर यू पास द इलेक्ट्रिसिटी देन द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड एज द पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज ब्रोकन द केमिकल रिएक्शन गोइंग टू स्टॉप। मीन्स यहाँ पे जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करते रहेंगे तब तक यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी को आप रोक देते हो केमिकल रिएक्शन भी रुक जाता है। तो यहाँ पे जनरली हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिस्कस करेंगे, जिसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है जिसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक सेल। तो यहाँ पे हम लोग गैल्वेनिक सेल को डिस्कस करेंगे, इसी का दूसरा नाम है एक बोल्टिक सेल, जिसका एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं डेनियल सेल। तभी डेनियल सेल क्या होगा उसको आगे डिस्कस करेंगे, जो कि गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल है। तो अभी हम लोग गैल्वेनिक सेल को डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो जैसा आप जान रहे हैं कि गैल्वेनिक सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, मतलब यहाँ पे कुछ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होंगे जिसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो जो गैल्वेनिक सेल होता है उसके कुल यहाँ पे तीन पार्ट होते हैं, जिसमें एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, सेकेंड वन इज रिडक्शन हाफ सेल, एंड बोथ द हाफ सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू अ यू शेप्ड ट्यूब एंड दैट ट्यूब इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ पे इन तीनों को हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा डिस्कशन होगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल एक कंटेनर है जिसको हमेशा आप अरेंज करते हो लेफ्ट साइड में। तो अगर इस कंटेनर के लिए हम एक छोटा सा फिगर बना लें, तो यहाँ पे एक कंटेनर जिसके अंदर आप एक रॉड को डिप करके रखते हो, जिस मेटल का हम ये रॉड यूज करेंगे उसी मेटल का हम लोग यहाँ पे सोलूशन ले लेते हैं। जनरली ये सॉल्ट सोलूशन होगा उसी मेटल का, और हम लोग मोस्टली यूज करते हैं मेटल का सल्फेट, और इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे दूसरे हाफ सेल के साथ। तो यहाँ पे इसको वायर के थ्रू हम कनेक्ट किए होते हैं। तो जनरली यहाँ पे होगा क्या, जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा, तो यहाँ पे जो हम लोग मेटल यूज करते हैं, ये मेटल हमेशा एक्ट करता है एनोड की तरह।
तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में मेटल एनोड की तरह बिहेव करेगा, और जो मेटल एनोड की तरह बिहेव करता है वहाँ पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसलिए जो मेटल होगा वो ऑक्सीडाइज होगा एंड आफ्टर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। तो मेटल कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो मेटल के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, अभी हम यहाँ पे केवल एक इलेक्ट्रॉन इसका रिलीज करा रहे हैं। तो मेटल यहाँ पे जब ऑक्सीडाइज होगा तो मेटल मेटल प्लस के फॉर्म में इस रॉड से सोलूशन के अंदर ऐड होता जाता है, मीन्स इस सोलूशन के अंदर मेटल का कंसंट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्वस आयन बढ़ता जाएगा, और जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है यही इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू आगे बढ़ेगा और दूसरे हाफ सेल की तरफ जाता है। अब यहाँ पे जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए जो मेटल होगा बिहेव करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अब आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा या फिर मेटल पॉजिटिवली चार्ज के फॉर्म में बाहर जाएगा सोल्यूशन में, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज की वजह से ही इस इलेक्ट्रॉन को ये रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा, मीन्स यहाँ पे जो एनोड होगा वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है, तो एनोड के ऊपर यहाँ पे चार्ज होगा नेगेटिव। अब आपको पता है कि जब कहीं पे आप पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के साथ प्लेस करते हो तो उसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तो यहाँ पे रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज और सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, सो अ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन द रॉड एंड सोल्यूशन एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू रॉड एंड सोल्यूशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल के अंदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्रिएट होता है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली पोटेंशियल को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसके साथ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा तो रिएक्शन ऑक्सीडेशन वाला लिख देते हैं, मीन्स एम चेंज इन टू एम प्लस। तो सेम ऐसे दूसरा यहाँ पे जो हाफ सेल होता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। यहाँ पे भी एक कंटेनर के अंदर हम सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे इस मेटेलिक रॉड का, और यहाँ पे जो मेटल होगा उसको हम लोग जनरली बोलेंगे कैथोड, तो ये रॉड कैथोड की तरह बिहेव करेगा और कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होता है, इसलिए इस सोल्यूशन के अंदर जो मेटल होगा पॉजिटिवली फॉर्म में वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके ये मेटल सॉलिड में कन्वर्ट होगा, दैट्स वाई द रिएक्शन बिकम एम प्लस बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इंटू मेटल सॉलिड, और यही एम प्लस फिर मेटल सॉलिड के फॉर्म में डिस्चार्ज होगा ओवर द कैथोड। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं इसलिए इस रॉड के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और सोल्यूशन से पॉजिटिव चार्ज हट रहा है इसलिए यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर क्रिएट होगा नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसके बीच में भी एक पोटेंशियल डिफरेंस काम करेगा। अब यहाँ पे जो प्रोसेस है वो रिडक्शन का है, इसलिए जो मेटल यहाँ पे यूज हो रहा है वो बिहेव करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मेटल यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरह बिहेव करेगा, कैथोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और इस हाफ सेल के अंदर रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, दैट्स वाई द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन द रॉड एंड द सोल्यूशन इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल को भी हम लोग ई से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन हम लोग लिखते हैं रिडक्शन वाला, मीन्स एम प्लस चेंज इन टू एम। तो ये गैल्वेनिक सेल के दो पार्ट हो गए, जिसमें लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा, राइट साइड में हमेशा रिडक्शन हाफ सेल होगा। अब इन्हीं दोनों को हम लोग कनेक्ट करेंगे एक यू शेप ट्यूब से, जिसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, तो तीसरा कंपोनेंट इसका है सॉल्ट ब्रिज। तो इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर सेमी सॉलिड फॉर्म में कुछ इलेक्ट्रोलाइट भरे गए होते हैं, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट भरा गया होगा वो हमेशा होगा इनर्ट नेचर का,
मीन्स जो कंटेनर के अंदर कंटेंट आपने लिए हुए हैं उस कंटेंट के साथ ही रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो हम लोग यूज करते हैं वो जनरली होगा KCl या फिर K2SO4, KNO3 या फिर अमोनियम क्लोराइड, इसमें से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। और ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, मीन्स इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं जिलेटिन के अंदर या फिर हम लोग एक दूसरा बायो मॉलिक्यूल यूज करते हैं अगर अगर, तो इसको अगर अगर के साथ हम लोग पेस्ट बना के और इसी को इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर डाल देंगे और दोनों टर्मिनल पे यहाँ पे कॉटन का प्लग लगा देते हैं जो इंश्योर करेगा कि मटेरियल यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड की जगह आप सिल्वर, मरकरी या लेड में से कुछ यूज करते हो, तो आप इलेक्ट्रोलाइट KCl कभी यूज नहीं करोगे, क्योंकि KCl का जो Cl माइनस होगा वो इनके साथ रिएक्शन करके बनाता है क्लोराइड, एंड द क्लोराइड ऑफ सिल्वर, मरकरी एंड लेड ऑल आर फॉर्म प्रेसिपिटेट। और जब इस कंटेंट के अंदर प्रेसिपिटेट बनेगा, मींस उस रिएक्टिंग हाफ सेल के अंदर जब प्रेसिपिटेट बनेगा तो वो रिएक्शन को डिस्टर्ब करेगा और जो कंटेंट होंगे या फिर वहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन चल रहा होगा वो केमिकल रिएक्शन आप प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, इसलिए इनको अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि सॉल्ट ब्रिज जो हम यूज करते हैं उसका मेन फंक्शन क्या है। तो सॉल्ट ब्रिज दो तीन काम यहाँ पे करता है, जिसमें से पहला काम है कि जो इनर सर्किट है वो इनर सर्किट को कंप्लीट करता है, मींस जब आप सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करोगे तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं रहेगी। अब इसका कंप्लीट फिगर हम आपको देंगे। सेकेंड, जो दोनों हाफ सेल होते हैं वहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रिलिटी को मेंटेन करता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रिलिटी को ये मेंटेन करेगा, मींस दोनों कंटेनर को ये इनर्ट रखता है। एंड थर्ड वन इज ये आयंस को मूव कराता है, मींस सॉल्ट ब्रिज अलाउड द मूवमेंट ऑफ द आयंस विदाउट एनी रिएक्शन विद द कंटेंट। वो किसी आयन के साथ या जो कंटेनर के अंदर कोई दूसरा कंटेंट होगा उसके साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा, बस उस आयन को ये पास कर देता है किसी एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में। तो चलिए इन तीनों पार्ट को एक साथ कंबाइन करके हम बनाते हैं गैल्वेनिक सेल और देखते हैं वहां पे क्या हो रहा है। तो ये एक गैल्वेनिक सेल है जिसमें हमने तीनों कंपोनेंट को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे जब दोनों इलेक्ट्रोड को आप फिक्स कर देते हो, यानी इनके मेटल को फिक्स कर दोगे जिंक एंड कॉपर, तो इसी सेल को हम लोग डेनियल सेल कहते हैं, इसलिए हम लोग डेनियल सेल का एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं। तो डेनियल सेल में क्या होगा, हम जिंक राड यूज करेंगे लेफ्ट साइड में, मीन्स जिंक बिहेव करेगा एज अ एनोड, और इसको डिप करके हम लोग रखते हैं ZnSO4 सोल्यूशन में। कैथोड की जगह हम लोग यूज करते हैं कॉपर, और इसको हम लोग ऐड करके रखते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। दोनों रॉड को हमने कनेक्ट किया है एक वायर के थ्रू। यहाँ पे हम एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे जो रिप्रेजेंट करेगा कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास हो रही है कि नहीं, और दोनों कंटेनर की सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। तो यहाँ पे जनरली होगा क्या, दो सोल्यूशन जिनको हमने यू शेप ट्यूब से कनेक्ट किया हुआ है, इन दोनों के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से होगा क्या उसी को डिस्कस करना है यहाँ पे। तो जो पहला हाफ सेल है मीन्स जिंक कंटेनर के अंदर, वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, दैट्स वाई द जिंक इज कन्वर्टेड इंटू जिंक 2+ बाई रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन एनोड पे हुआ इसलिए रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होगा, द कॉपर 2+ बाई गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड, ये रिडक्शन रिएक्शन होगा। अब इन्हीं दोनों रिएक्शन को जब हम जोड़ देते हैं तो ये ओवरऑल रिएक्शन आ जाता है पूरे सेल का। और जब दो रिएक्शंस को जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा ऐड करेंगे
तो हमेशा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का काउंट बराबर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का काउंट जैसे ही बराबर करोगे तो ये कैंसिल होंगे और दोनों को जोड़ देंगे। अगर किसी रिएक्शन में बराबर नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, तो आपको इलेक्ट्रॉन बराबर करना होगा, इसलिए उस रिएक्शन में किसी भी हम इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड एन प्लस सी यू टू प्लस चेंज इन टू जेड एन टू प्लस प्लस सी यू। यहाँ पे ये मेटल हमेशा सॉलिड फॉर्म में होंगे और जितने भी आयंस होंगे उनको एक्वस फॉर्म में आपको यूज करना होता है, क्योंकि ये प्रेजेंट होते हैं सोलूशन में। तो इस तरीके से ये आपको ओवरऑल रिएक्शन मिल जाता है डेनियल सेल के अंदर, जहाँ पे हमने कैथोड और एनोड को डिफाइन कर रखा है। तो इसी रिएक्शन को यूज करके हम लोग बहुत कुछ कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे आगे। तो इस सेल का हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है ईएमएफ, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। तो ईएमएफ को यहाँ पे ई सेल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है दोनों हाफ सेल के अंदर जो पोटेंशियल क्रिएट किया गया है उसी का सम, मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो कि एनोड पे होगा, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल जो कि होगा कैथोड के ऊपर। इन्हीं दोनों का ये सम होता है। अब यहां पे क्या होगा, किसी एक का आपको कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, किसी का रिडक्शन पोटेंशियल, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम क्या करें, हर इलेक्ट्रोड के लिए सेम वैल्यू कैलकुलेट करें, या तो ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन। इसलिए पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जहां कहीं भी कोई कैलकुलेशन होगा और वहां पे इन्वॉल्व होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उस हर जगह हम लोग यूज करेंगे केवल रिडक्शन पोटेंशियल। इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी हम कन्वर्ट कर देते हैं रिडक्शन पोटेंशियल में। और किसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल बराबर होता है, बस उसका साइन बदल जाता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का होगा उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। इसलिए जब आप ई सेल कहीं पे निकालते हो तो ई सेल इक्वल टू हम लिखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, कैथोड और माइनस ई एनोड। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग ई एम एफ बता देते हैं। अब यहाँ पे आपने कह दिया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा यूज होगा रिडक्शन पोटेंशियल, इसलिए अगर हम डेनियल सेल के लिए इसको लिखना चाहें तो हम लिखेंगे ई एम एफ मीन्स ई सेल इक्वल टू ई कैथोड के ऊपर रिएक्शन कौन सा होगा रिडक्शन वाला, सी यू टू प्लस चेंज इन टू सी यू, माइनस एनोड पे कौन सा रिडक्शन होगा रिएक्शन, ई जेड एन टू प्लस चेंज इन टू जेड एन। अब वहां पे एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, लेकिन हम रिडक्शन पोटेंशियल यहां पे यूज कर रहे हैं, इसलिए रिएक्शन हमने रिडक्शन वाला दिखा दिया है। चलिए अब इसी को यूज करके आप ईएमएफ बता सकते हो, जैसे अगर हम ईएमएफ निकालना चाहें इस डेनियल सेल के लिए। अब इसी ई सेल को या फिर रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन में भी निकाल लेते हैं, और जब इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड कंडीशन में यूज करेंगे तो इसको बोलेंगे ई नॉट सेल, एंड इट इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन यूज करते हैं तो जनरली वहां पे तीन पैरामीटर्स हैं जिनको हम फिक्स करते हैं, जिसमें एक होता है हमारा टेम्परेचर जिसको हम यूज करते हैं 298 केल्विन, एक हमारा होता है प्रेशर जिसको यूज करेंगे 1 एटमॉस्फियर या फिर 1 बार। ये एटमॉस्फियर और बार लगभग बराबर होता है, 0.013 का डिफरेंस होता है जो कि बिल्कुल नेग्लेजिबल होगा। और यहाँ पे जो हम कंसंट्रेशन यूज करेंगे दोनों हाफ सेल के अंदर वो 1 मोलर होना चाहिए। तो जब आप ये पैरामीटर सेट कर देते हो देन द रिडक्शन पोटेंशियल इज रिप्लेस्ड बाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन यहाँ पे लिख देते हैं।
तो जनरली आपको कैलकुलेशन हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशन में ही करना होता है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर हम कैथोड और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल देखें, तो जो कॉपर है उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है यहाँ पे +0.34 वोल्ट, और जो जिंक है उसका वैल्यू होता है -0.76 वोल्ट। तो अगर इन दोनों वैल्यू को यूज करके आपको ई सेल बताना होगा डेनियल सेल के लिए, तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखेंगे ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, जनरली हम लोग निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में वैल्यू पता है आपको, तो ई नॉट कैथोड होगा, और कैथोड यहाँ पे मैंने बोला कॉपर ये है इसलिए 0.34 वोल्ट, माइनस इसकी वैल्यू -0.76 वोल्ट दिया गया है। तो जब आप इसको यूज करते हो तो आता है 0.34 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट, और सॉल्व करने पे आ जाएगा 1.1 वोल्ट। तो यहाँ पे जो टोटल ईएमएफ जनरेट होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये 1.1 वोल्ट होता है। इस डेनियल सेल के अंदर ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो करेगा इस एनोड से कैथोड की तरफ, और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चलता है करंट, इसलिए करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो फिर जो आयंस होंगे वो इस कैथोड के कंटेनर से एनोड के कंटेनर की तरफ मूव करेंगे, इसलिए यहाँ से यहाँ मूव करेगा आयंस। तो आपसे पूछता है आउटर सर्किट के अंदर करंट का कैरियर कौन होता है? तो आउटर सर्किट में करंट का कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन्स। बोलेगा इनर सर्किट के अंदर करंट का कैरियर कौन है? तो आपको बोलना होगा आयंस। फिर पूछेगा इसका डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन एनोड टू कैथोड होता है आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन का, और इनर सर्किट में आयंस का मूवमेंट का डायरेक्शन होता है कैथोड टू एनोड। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डेनियल सेल से टोटल जो वोल्टेज आपको मिला वो 1.1 वोल्ट मिला हुआ है। अब आपको पता है कि किसी भी सेल के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी आप बाहर से पास कर देते हो तो उस सेल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो यहाँ पे तीन अलग अलग कंडीशन में हम चेक करेंगे कि जो हमारा सेल होगा वो कैसा बिहेव करेगा। जैसे अगर 1.1 वोल्ट आपका पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है आपका डेनियल सेल, और इससे कम आपने एक्सटर्नल वोल्टेज यहाँ पे लगा दिया, उस कंडीशन में क्या होगा? तो जो वोल्टेज यहाँ पे सेल जनरेट कर रहा है आफ्टर द केमिकल रिएक्शन वो बड़ा है उस वोल्टेज से जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, इसलिए हमेशा इसका जो बिहेवियर होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ही रहेगा। मीन्स जैसे रिएक्शन चल रहा था वैसे ही चलेगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा होगा एनोड से कैथोड की तरफ, और करंट का फ्लो होगा कैथोड से एनोड की तरफ। मीन्स एनोड पे जो मेटल होगा वो डिस्चार्ज होगा और जाएगा सोलूशन के अंदर। मीन्स एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, और जो कैथोड होगा वहाँ से मेटल प्लस डिस्चार्ज हो जाएगा रॉड के ऊपर मेटल सॉलिड के फॉर्म में, और हमेशा रिएक्शन होगा रिडक्शन। अगर आपने इसका उल्टा कर दिया, मीन्स जो 1.1 वोल्ट जनरेट किया डेनियल सेल उससे ज़्यादा आपने एक्सटर्नल वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर दिया उस सेल के अंदर, तो जो जितना पोटेंशियल यहाँ पे रिएक्शन के थ्रू जनरेट हुआ उससे ज़्यादा पोटेंशियल जैसे मिलेगा तो इस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वहाँ पे रिएक्शन शुरू हो जाएगा। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दोनों जो रॉड होते हैं बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर शो करते हैं। मीन्स अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड हमारा नेगेटिवली चार्ज था, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज था, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे एक्सटर्नल वोल्टेज ज़्यादा आपने किया देन इट बिहेव एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और जब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा कैथोड से एनोड की तरफ, एंड द फ्लो ऑफ करेंट इज फ्रॉम
एनोड टू कैथोड एंड एट दिस मीन्स जो एनोड पे मेटल डिस्चार्ज होके सोल्यूशन में जा रहा था, अब वहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटल जाके डिस्चार्ज होगा रॉड के ऊपर मेटल सॉलिड के फॉर्म में, मीन्स यहाँ पे होगा रिडक्शन और यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन, मीन्स रिएक्शन पूरा अपोजिट हो जाता है। और आपने जो 1.1 वोल्ट जनरेट किया था, अगर उसी के बराबर एक्सटर्नल वोल्टेज आप अप्लाई कर देते हो तो ई एक्सटर्नल और जो वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हुआ दोनों का बिहेवियर एक दूसरे का ठीक अपोजिट है, मीन्स दोनों इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराने की टेंडेंसी रख रहे हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, इसलिए यहाँ पे जो सेल होगा वो काम नहीं करेगा, मीन्स सेल के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगा, मीन्स सेल इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक प्रॉब्लम दे दिया जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है पी का ये वैल्यू और रिडक्शन पोटेंशियल क्यू का ये वैल्यू, और आपको बताना है यहाँ पे ई एम एफ मीन्स ई नॉट सेल, तो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कौन कैथोड है कौन एनोड है, तो आप इनकी वैल्यू को देख के आसानी से बता सकते हो कि एनोड और कैथोड कौन होगा। आपको चेक करना है यहाँ पे केवल रिडक्शन पोटेंशियल, और जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है उसी को हम लोग यूज करते हैं एज अ एनोड। तो अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू दे दे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधे इसको लिखोगे एनोड तो दूसरा वाला कैथोड हो जाएगा। अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव दी रहेगी तो जो छोटी वाली वैल्यू होती है उसी को हम लोग एनोड मानते हैं, क्योंकि छोटी वाली नेगेटिव के ज़्यादा पास होता है, तो इसलिए यहाँ पे अभी ये एनोड है ये कैथोड, और आप जानते हो ई नॉट सेल इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो कैथोड की वैल्यू 0.6 माइनस माइनस 0.4, और इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 1.0 वोल्ट। तो जब कभी भी ऐसा दो वैल्यू दिया जाएगा तो हमेशा नेगेटिव वाले को ही आपको एनोड कंसीडर करना है। इसी के बेस पे आपसे और भी बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे ये वैल्यू दे के आपसे पूछ ले एनोड कौन है, तो नेगेटिव वैल्यू जिसका आपको दिख गया आपने उसको एनोड बोल दिया, और एनोड का ही होता है ऑक्सीडेशन, तो आपसे पूछ ले ऑक्सीडेशन किसका होगा तब भी आप उसी का आंसर लिखोगे, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो बिहेव करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपसे पूछ ले यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा तब भी आपको नेगेटिव वाला ही आंसर देना है। जैसे मान लो एक दूसरा प्रॉब्लम मैंने आपको दे दिया जिसमें हमने कुछ वैल्यू लिख दी, जैसे एक है ई नॉट ए प्लस टू ए, इसकी वैल्यू है 0.75 वोल्ट, और ई नॉट बी प्लस टू बी, इसकी वैल्यू है 0.44 वोल्ट। अब इन दोनों में आपसे पूछ लिया अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो आपको चेक करना होगा रिड्यूसिंग एजेंट के लिए कि किसका ऑक्सीडेशन होगा आसानी से, और ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो बिहेव करता है एज अ एनोड, मीन्स इनडायरेक्टली आपको एनोड चेक करना है, और एनोड के लिए मैंने आपको क्या बताया वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, यानी अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू पॉजिटिव दिया गया है तो जो छोटा वाला वैल्यू होगा वही बिहेव करेगा एज अ एनोड, इसी का ऑक्सीडेशन होगा एंड दिस वन इज बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो इन दोनों में जो बी होगा वही हमारा होगा रिड्यूसिंग एजेंट। सेम ऐसे दो तीन वैल्यू आपको दे के और वहां पे ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दे देते हैं कि इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है रिड्यूसिंग पावर के। जैसे यहाँ पे चार एलिमेंट के हमने दे दिए रिडक्शन पोटेंशियल, और आपसे पूछ लिया यहाँ पे सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या आपको पता है कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा नेगेटिव देखना है, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल आपको ए वाले का दिख रहा है, तो ए वाला सबसे स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आपसे पूछ लिया सबसे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका रिडक्शन होना चाहिए, और रिडक्शन जिसका होता है वो बिहेव करता है एज अ कैथोड, और कैथोड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होता है, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू ये दिख रहा है
इसलिए ये होगा एक गुड कैथोड, मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर रिड्यूसिंग पावर के ऑर्डर में इसको अरेंज करना होगा तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा ए, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव। इसके बाद सेकेंड नेगेटिव नंबर ये है, तो सेकेंड नंबर आएगा डी का। उसके बाद इन दोनों में छोटी वैल्यू ये है, मीन्स नेगेटिव के ज़्यादा पास ये होगा, इसलिए फिर बी आएगा। उसके बाद नंबर आता है सी का। तो इस तरीके से आप रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे इसको अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे रिडक्स रिएक्शन जो सेल के अंदर प्रोसीड होता है उसी से आप लोग सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हो। मीन्स ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जो दोनों हाफ सेल के अंदर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम डेनियल सेल का एग्जाम्पल देखें तो वहाँ पे आपने कंप्लीट रिएक्शन लिखा था, जिंक सॉलिड प्लस Cu2+ चेंज हुआ था Zn2+ और Cu सॉलिड के अंदर। तो अगर इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हमको करना होगा तो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखते हैं एनोड का रिएक्शन, और उसके बाद दो पैरेलल लाइन बनाते हैं जो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। फिर राइट साइड में हम लोग लिखते हैं कैथोड का रिएक्शन। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है जहाँ पे जिंक कन्वर्ट होता है Zn2+ में। फिर यहाँ पे पैरेलल लाइन हमने बना दिया, कैथोड के ऊपर रिडक्शन रिएक्शन होगा जहाँ पे Cu2+ चेंज होता है कॉपर में। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखा गया है, रिडक्शन रिएक्शन दोनों को हमने सॉल्ट ब्रिज से सेपरेट कर दिया है। तो इस तरीके से सेल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो कभी कभी रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछ लेगा, कभी कभी सेल रिप्रेजेंटेशन से ये रिएक्शन पूछ लेता है। तो ये कैसे प्रॉब्लम होंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन का आपको लिखना है सेल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो सिल्वर प्लस इज चेंज इनटू सिल्वर, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये रिडक्शन रिएक्शन है। एंड कॉपर इज चेंज इनटू Cu2+, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन पहले लिखना होता है इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे कॉपर चेंज इनटू Cu2+। अब ये हमने सॉल्ट ब्रिज बना दिया, रिडक्शन रिएक्शन में सिल्वर प्लस चेंज हो रहा है सिल्वर में। इनके साथ जो ये कोफिशियंट आते हैं इनको सेल रिप्रेजेंटेशन में हम कभी यूज नहीं करते, बस यहाँ पे रिएक्शन लिखा जाता है। कभी कभी कुछ अलग तरीके से प्रॉब्लम आपसे पूछा जाएगा सेल रिप्रेजेंटेशन देके, तो वो कैसे प्रॉब्लम होगा देखिए। ये एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हाइपोथेटिकल हैं। यहाँ से आपको बहुत कुछ बताना है। जैसे पहला आपसे पूछा हुआ है कि एनोड और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, उसको लिखना है, और ओवरऑल रिएक्शन। तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए पी चेंज होगा Pu+ में बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे कौन रिएक्शन होगा, रिडक्शन का, जिसमें Q3+ Q में कन्वर्ट होगा, तो Q3+ बाय गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Q सॉलिड। अब अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखना है तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन का काउंट दोनों में बराबर होना चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन को करना पड़ेगा बराबर। एंड इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए आप इस पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, एंड दिस रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड विद 2। तो यहाँ से रिएक्शन आ जाएगा आपका 3p चेंज इनटू 3p2+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस वन बिकम 2Q3+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू 2Q। अब इन दोनों रिएक्शन को हम जोड़ देंगे तो 2Q+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू 2Q। अब जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और रिएक्शन हमारा ओवरऑल आ जाएगा 3p+2Q3+ चेंज इनटू 3p2+ एंड 2Q। ये ओवरऑल रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन एट एनोड, ये रिएक्शन एट कैथोड। यहाँ पे कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं वैल्यू ऑफ एन,
ये एन आपको आगे मैं बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन, तो वहां पे ये एन यूज होगा। अभी एन की वैल्यू बस आपको जानते रहना है, वही होता है जितने इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ से कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए हैं, इसलिए एन की वैल्यू आपको यूज करनी है यहाँ पे 6। आपसे इसी में पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा या फिर करंट। तो ये एनोड है, ये कैथोड है, इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा, इसलिए आपको लिखना है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो पी टू क्यू होगा एंड द फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम क्यू टू पी। तो ये पूरा डिस्कशन है डेनियल सेल का और गैल्वेनिक सेल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे, तो वहां पे हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और फिर उसके बाद आगे चलेंगे, इसमें कुछ और डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।